तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देर आर 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट वन जो है, जो वन से लेके फोर आर्टिकल तक डील्स करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कोई भी नए स्टेट की फॉर्मेशन करनी हो, अल्टरनेशन ऑफ नेम, कोई नेम चेंज करना हो, ठीक है, तो ये पार्ट वन जो है ये इसके साथ डील करता है, ठीक है। पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 से लेके 11 तक डील करता है वेरियस प्रोविज़न रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ओके। पार्ट थ्री आर्टिकल 12 से 35 तक और डील करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन सिटीजन को जो दिए गए हैं, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये पार्ट थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है, ठीक है। पार्ट फोर आर्टिकल 36 से 51 तक ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ, ओके। पार्ट फोर ए आर्टिकल 51A ये ऐड हुआ था 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तो ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, ओके। पार्ट फाइव आर्टिकल 52 से 121 तक डील करता है गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, जैसे कि ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनके साथ ये डील करता है पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर पार्ट सिक्स की बात करें आर्टिकल 152 से 237 ये डील करता है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड इस मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये पार्ट सिक्स इनके साथ डील करता है, ठीक है। पार्ट सेवन आर्टिकल 238 ये डील करता है स्टेट इन पार्ट बी वाज रीअपील इन 1956 बाय सेवंथ अमेंडमेंट, ओके। और पार्ट एट आर्टिकल 239 से 241 ये डील करता है यूनियन टेरिटरीज के साथ, ठीक है। पार्ट नाइन आर्टिकल 243 से 243O, ठीक है, ये ऐड हुआ था 73 अमेंडमेंट 1992, ठीक है, और ये कंटेन न्यू शेड्यूल, शेड्यूल 11 जो था ये ऐड हुआ था, और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं जो रिलेट करते हैं पंचायती राज, ठीक है। पार्ट 9A आर्टिकल 243P से 243G तक, ठीक है, ये ऐड हुआ था 74 अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है, और ये इसके टोटल 18 सब्जेक्ट हैं और ये रिलेट करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ, ओके। पार्ट 9B आर्टिकल 243ZH से 243ZE तक ये डील करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, ओके फ्रेंड्स। पार्ट 10 जो है ये आर्टिकल 244 से 244A तक ये डील करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज़ के साथ, ओके। पार्ट 11 जो है ये रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, और ये आर्टिकल 245 से 263 तक है। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300A तक, ठीक है, ये डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, ओके। पार्ट 13 आर्टिकल 301 से 307 तक ये रिलेट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। पार्ट 14, ठीक है, ये डील करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज जो हैं ये इसके साथ रिलेट करता है आर्टिकल 308 से 323 तक। और पार्ट 14A डील करता है ट्रिब्यूनल के साथ आर्टिकल 323A एंड 323B, और पार्ट 15 जो है ये डील करता है इलेक्शन के साथ, और इसमें आर्टिकल है 324 से 329A, ओके। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, कुछ क्लासेस हैं उसके ऊपर ये स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, पार्ट 16 जो है ये डील करता है इनके साथ, और ये आर्टिकल 330 से 342 तक है। पार्ट 17 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, और पार्ट 17 में जो आर्टिकल है 343 से 351 तक, एंड पार्ट 18 जो है ये इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, जो आर्टिकल 352 से 360 तक है, ठीक है, पार्ट 18 में। पार्ट 19 रिलेट करता है मिसिलिनियस आर्टिकल 361 से 367 तक, और पार्ट 20 जो है ये डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो है ये पार्ट 20 में, ओके। और पार्ट 21 ये टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है, इसमें आर्टिकल जो आते हैं 369 से 392 तक, और पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट अथॉरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है, इस ये जो आर्टिकल है इसमें 393 से 395 तक, ठीक है। ये थे फ्रेंड्स हमारे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।